अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान उज़्मा शबीर आपका खैर मकदम करती हूँ यूथ फोरम के आज के दिलचस्प शुमारे में। नाज़रीन, यूथ फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आज के नौजवानों के लिए अहम मसाइल पर बातचीत करते हैं, और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद है। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो रहेगा एम्पावरिंग यूथ, एजुकेशन एंड ग्लोबल चैलेंजेस। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं तालीम की, तो तालीम सिर्फ इल्म हासिल करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर हम अपनी ज़िंदगियों, अपने माशरों और बिलाकर अपनी दुनिया की तामीर करते हैं। और अगर हम बात करेंगे आज के दौर की, जहां आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है, वही हमारे नौजवानों को तालीमी शोबे में कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो इन चैलेंजेस पर और इन चैलेंजेस को हम कैसे हल कर सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करना नहायत अहम है। तो नाज़रीन, आज के शुमारे में हमारे साथ चंद माहिरीन मौजूद हैं जिनके साथ आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो आइए सबसे पहले उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिलरुबा सईद, जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बासित रफ़ीक, जो कि एक होनहार तालिब इल्म है गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज अनंतनाग के। और आखिरी में हमारे साथ मौजूद है मिस सीरत बशीर, जो भी एक होनहार तालिब इल्म है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भीरवा की। आप सब माहिरीन का बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, चूँकि आप हमारी मरकज़ी मेहमान हैं, तो आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के कंटेक्स्ट में हम यूथ एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू बिगिन विद यूथ एम्पावरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट एम्पावरमेंट मींस। सो वी कैन से एम्पावरमेंट मींस गेनिंग पावर, एंड दैट पावर इज हैविंग द कैपेसिटी एंड द मींस टू डायरेक्ट वंस लाइफ टुवर्ड्स द डिजायर्ड गोल्स और स्टेटस। Now the question is, what is youth empowerment? Youth empowerment is the development and the productiveness among young people as they move into the adulthood. Youth empowerment, again I will tell you, youth empowerment is the productivity to promote our youth, to develop our youth. Yes, in terms of education, in terms of knowledge, and they may be able to implement the changes in their lives and in the lives of the others too. So youth ko hum kis tarah develop karenge? Ye jo youth hai, ye hamari qaum ka mustaqbil hai. The progress of the nation depends upon the youth, and the youth may be the future leaders tomorrow, isn't it? So they act as the agents of the social change. They bring the positive transformation, social transformation, and they bring the social transformation, and they change the lives of the others. So there are three C's which are responsible for the youth empowerment. One is the capacity building, another is the capability, and third is the competence. Once the competence is developed among the youth, when they are competent, they may be able to express their opinions and emotions as well. Now in context of education, I may tell you, हमें प्रोडक्टिव यूथ बनाना है, यूथ को एम्पावर करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, देयर शुड बी क्वालिटी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द यूथ। एंड व्हाट क्वालिटी एजुकेशन इज, सपोज अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। रिसोर्स में क्या हमको देखना है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, बोथ शुड बी अवेलेबल टू देम। ह्यूमन रिसोर्स, यू नो द टीचर्स, फैकल्टी शुड बी अवेलेबल टू देम, एंड सो फार एज मटेरियल रिसोर्स इज कंसर्न, वी कैन से दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द लैब्स दे रिक्वायर, द लेबोरेटरीज दे रिक्वायर, यस दैट शुड बी अवेलेबल टू देम। Besides, we can say the skill development programs should be, you know, introduced in the course, in the syllabus. That is the recommendation of the NEP 2020. The skill development programs should be there in the mainstream education. And one more important thing is that inclusion and social education should be, you know, given to the provided, should be given to the students. Like inclusion mein hame kya karna, there should be no discrimination
on part of the learners, whether they are normal or disabled, या rural urban dichotomy पे focus नहीं करना है. Yes, there should be equality and equity should be maintained in the education. And in perspective of the social education, हमें youth को there should be imparted education about the social abuse, about the drug abuse, about the crimes, about the delinquency, in order to maintain their mental health, which is the grave issue. How to maintain the mental health of the students. फिलहाल हम रुख करते हैं बास साहब आपकी, और चूंकि आप एक तालिबे इल्म हैं, तो एज अ स्टूडेंट किन किन आलमी चैलेंजेस को आपको सामना करना पड़ता है, और जहां हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो तालीम के जरिए से आप इन ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे हल कर सकते हो? तालीम के नज़रिए से हम बहुत सारे चैलेंजेस देख रहे हैं, हमारे यूथ अभी करंट जनरेशन में फेस कर रहे हैं. तो इस हिसाब से तो जो चैलेंज है, जैसे क्लाइमेटिक चेंज है, जैसे पुअरिटी है, जैसे फूड स्कैरसिटी है, जैसे वाटर की कमी है, ये सब चैलेंजेस करंटली अभी यूथ हमारी फेस कर रही है. बिल्कुल, जैसे मैम ने एक बात भी कही थी, इनइक्वालिटी की बात कही थी मैम ने. जी मैम, इनइक्वालिटी भी फेस करते हैं हम इस बारे में. जो क्लाइमेटिक चेंज है, जैसे अभी अब हम देख रहे हैं कश्मीर में भी टेम्परेचर कितना ज्यादा राइज हो रहा था. ये ग्लोबल इशू है, ये इशू खाली कश्मीर का ही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में इशू है अभी. तो उसके साथ साथ कश्मीर में भी ये इशू चल रहा है. तो इसको टैकल करने के लिए हमें बच्चों को स्कूल में एजुकेशन के थ्रू हम उनको अवेयर कर सकते हैं इस बारे में, आप कैसे इन सब चीज़ों से टैकल हैंडल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को. तो दूसरा चीज़ है पुअरिटी और इनइक्वालिटी. हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी है, मतलब जो भी पुअर या रिच या रूरल या अर्बन एरियाज हैं उनमें से हमें इक्वालिटी, इक्वल एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है सब बच्चों को, ताकि सभी अवेयर हो जाए. हम मिलके इस जो भी हम हमारे चैलेंज फेस कर रहे हैं उनको हल कर सके. बिल्कुल. और जैसे हम देखते हैं कि जो रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स होते हैं या जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका एक्सेस, उनको उतना एक्सेस नहीं मिलता है. बिल्कुल, उनको वो रिसोर्सेज नहीं हासिल होते जो उनको होने चाहिए. प्रोविजन शुड बी अवेलेबल टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू रूरल एरियाज एंड फार फ्लंग एरियाज. बेटर प्रोविजन शुड बी इन टर्म्स ऑफ द यूनिफॉर्म, इन टर्म्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, अदर रिसोर्सेज ऑल्सो, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स होना चाहिए. लैब्स उनके लिए होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, लेबोरेटरीज, क्लासरूम होना चाहिए. आजकल तो हम आईसीटी का रुझान है, आईसीटी को हम प्रमोट कर रहे हैं इन एजुकेशन. तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज वन ऑफ द ग्रेव इशू आजकल. इस पे फोकस करना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, हाउ टू गिव द ट्रेनिंग टू द लर्नर सो फार एज द डिजिटल यू नो इक्विपमेंट्स आर कंसर्नड. एंड इसके साथ साथ हम यही कहेंगे कि हमारा जो कंसर्न है एजुकेशनिस्ट्स का जो कंसर्न है, दैट इज टू इरेडिकेट द इलिटरेसी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. एंड हाउ दिस यू नो गोल इज अचीव्ड by providing education, that should be accessible. अभी हमने इस पे बात की, तो उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि facilities provide करो बच्चों को. Facility should be given to all the learners. और उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि बच्चों को इन्वॉल्व करो लाइक स्पोर्ट्स में, गेम्स में, ताकि उनका जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रहे. इसमें कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है. कम्युनिटी हैज टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वॉल्विंग द यूथ, इन इन्वॉल्विंग द लर्नर्स इन टू डिफरेंट यू नो प्रोग्राम. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. रुख करते हैं सीरज जी आपकी, और आपसे यहाँ पे जाना चाहेंगे. जब हम बात करते हैं हिस्ट्रीज की बात करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स की बात करते हैं, पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, तो कितना ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे तलबा हो उनको इन सारी बातों के बारे में नॉलेज हो? जी, जब हम मतलब कि डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस हिस्ट्रीज को अडॉप्ट करते हैं अपने, फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मदद मिलती है, यूथ है उनको मदद मिलती है मतलब इंटरनेशनल सिटीजनशिप मतलब तैयार करने में. तो जी और फिर एक मैडम ने एक बात कही, हमें यूथ को गेम्स और स्पोर्ट्स में मतलब इन्वॉल्व करना चाहिए, उससे हमें ये भी फायदा है. आजकल की यूथ जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है, उससे भी वो दूर रह सकते हैं. बिल्कुल जी. और हम देखते हैं कि जब यूथ को नॉलेज होगी कल्चर के बारे में, तभी वो जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी वो पास ऑन कर सकते, प्रिजर्व कर सकते, बिल्कुल ट्रांसमिट कर सकते हैं कल्चर को. देयर वैल्यूज, देयर बिलीफ्स मे बी ट्रांसमिटेड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. जी बिल्कुल. मैम, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, जब हम तालीम की बात करते हैं, तो तालीम के जरिए जो हमने अभी आलमी चैलेंजेस की बात की थी, तो कैसे हम उन आलमी चैलेंजेस को हल कर सकते हैं? देखिए, वी हैव सो मेनी ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल चैलेंजेस दैट अवर यूथ इज फेसिंग. वन ऑफ द ग्लोबल इश्यू इज द इलिटरेसी, द एम्प्लॉयमेंट, द पॉवर्टी, द वुमेन एजुकेशन.
तो एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू हैव अ कंट्रोल यू नो सो दैट ऑल दोज इश्यूज कैन बी रिजॉल्व्ड. सो फार एज द इलिटरेसी इज कंसर्न्ड देयर शुड बी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन टू ऑल. सपोज रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज है, यू नो डाउन ट्रोडन एरियाज है, फार फ्लंग एरियाज है, एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू देम. बेटर प्रोविजन शुड बी मेड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग टू दोज एरियाज. तो मेन एम है, मेन फोकस है टू इरेडिकेट द इलिटरेसी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. सेकेंड है जो ये वीमेन है, वीमेन आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ दिस एजुकेशन. वीमेन मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ वीमेन. तो वीमेन पे, वीमेन एजुकेशन पे मेजर फोकस शुड बी ऑन वीमेन एजुकेशन टू प्रोवाइड देम बेटर एजुकेशन. उसके लिए क्या करना है, देयर शुड बी द ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, देयर शुड बी द अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर द पेरेंट्स. पेरेंट्स को हमें आगाह करना है कि हाउ इम्पोर्टेंट द वीमेन एजुकेशन इज, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सेड दैट इफ वी एजुकेटेड, इफ वी एजुकेट अ मैन वी आर एजुकेटिंग अ सिंगल पर्सन, बट इफ वी एजुकेट अ वीमेन वी आर एजुकेटिंग द एंटायर नेशन. तो वीमेन एजुकेशन पे, वीमेन एम्पावरमेंट पे ज्यादा हमें फोकस करना है. दैट इज अवर ग्लोबल चैलेंज. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. आजकल तो डिजिटल जमाना है, डिजिटल वर्ल्ड हैज रेवोल्यूशनाइज्ड आवर आउटलुक. तो साइंटिफिक एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस करना इनटू द मेन स्ट्रीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट. एम्प्लॉयबिलिटी, जब हम ऐसी एजुकेशन बच्चों को देंगे उससे क्या होगा कि जो ये हमारे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है वो रिजोल्व हो सकते हैं. जैसे कि NEP 2020 का मेन फोकस है वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग. पहले से ही बच्चों को स्कूल एजुकेशन से ही उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, उनको आगाह कीजिए हाउ वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द लर्नर्स, सो दैट कल को ये सेल्फ रिलायंट बन जाए, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए. जब इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट शोबों में, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए. दैट शुड बी ऑल्सो इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन. उनको डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी उनको अवेयरनेस दीजिए, नॉलेज दीजिए. उसी से जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकते हैं, ताकि ये कल डिफरेंट एंटरप्राइजेस में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं. इजंट दे विल स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइजेस, दे वुड नॉट बिकम द जॉब सीकर्स, दे वुड बिकम द जॉब प्रोवाइडर्स. तो इसलिए जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर्स है, सबको मिल बांट के काम करना है. प्राइवेट सेक्टर्स में भी ऐसे बहुत सारे यू नो प्लेसमेंट ऑप्शंस होनी चाहिए, ताकि हमारे हमारा जो यूथ है अपना रोजगार उनको, अपने एम्प्लॉयमेंट उनको प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. फिर से आगे आपसे और बातचीत करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे. फिलहाल हम रुक करते हैं आपकी और बात. जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और हम देखते हैं चाहे हम किसी भी तालीमी इदारे की बात करेंगे, स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, चाहे एडमिशन सेक्शन की बात करें या ऑनलाइन लर्निंग की बात करेंगे. तो आपको क्या लगता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, क्या इसके क्या रिस्क है, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके? जी, जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, जो स्टूडेंट्स हासिल कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी है और रिस्क्स भी है. जैसे करंटली जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हमें दिख रही है तो वो इंटरनेट है. सभी बच्चे जो है वो इंटरनेट से पढ़ भी रहे हैं और कुछ टीचर्स वहाँ पढ़ा भी रही है. बिल्कुल. अभी देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड और कश्मीर में भी AI का यूज अच्छा हो रहा है. जैसे ये टेक्नोलॉजी एक है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिल्कुल. तो इसका इस्तेमाल पूरे दुनिया में हो रहा है. तो इससे बच्चों को बहुत सारे फायदे हो रहे हैं. जैसे वो असाइनमेंट करते हैं, जो होमवर्क उनका होता है वो उनका घंटों का मिनटों में होता है. बहुत सारे काम उनके जो जिसमें वो टाइम लगता था वो आसानी से कर सकते हैं. दूसरी बात ये भी है कि अगर हम किसी बच्चे को इंटरनेट के लिए फॉर एग्जांपल फोन भी दें तो वो मिसयूज भी करता है, सोशल मीडिया यूज करता है, गेमिंग में टाइम वेस्ट कर सकता है. बिल्कुल. तो जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं इसके अच्छे फायदे भी है और इसके नुकसान भी बहुत हैं. बिल्कुल. तो जी हम जब हम बात करते हैं तालीमी इदारों की, तो तालीमी इदारे जो है वो कैसे हमारे तलबा को तैयार कर सकते हैं ग्लोबल स्टेज के लिए? ग्लोबल स्टेज में हमने देखा कि बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज पे हमने डिस्कशन अभी किया. जैसे कि हम सब जानते हैं कि देयर आर सो मेनी ग्लोबल चैलेंजेस विच आर फेसिंग अवर यूथ.
तो उसके लिए हमें उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि क्वालिटी एजुकेशन पहले हमें उस पर फोकस करना है कि बच्चों को हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जिसमें कि सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी है। और क्वालिटी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, हमारा एम यही होना चाहिए कि हाउ टू एनहेंस द कैपेसिटी, हाउ टू एनहेंस द कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी अमंग द यूथ, इजंट इट। सेकेंडली आई मे टेल यू दैट इक्वालिटी इन एजुकेशन होना चाहिए कि कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि मैन वुमेन रूरल एंड अर्बन। थर्ड मैं ये कहूंगी कि एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द नीड ऑफ एन आर कि एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग हमको यूथ को देनी है सो दैट कि दे मे गेट एक्सपर्टीज इन द फील्ड कि हमें कैसे जॉब आगे करना, हमें कैसे हाउ टू स्टार्ट अवर एंटरप्राइजेस। यू नो अभी मैंने आपको बोला कि वी शुड नॉट, अवर यूथ शुड नॉट बिकम द जॉब सीकर्स, दे शुड बिकम द जॉब प्रोवाइडर्स। तो ऐसी नॉलेज उनको कहां से मिलेगी, ऐसी नॉलेज इनको टीचर से मिलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलेगी, उनके मेंटर से मिलेगी, यस, जो उनको सिखाएंगे कि कैसे हमको एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, ओरिएंटेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सो फार एज द एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इज कंसर्न। अवेयरनेस और ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमको खास तौर पर पेरेंट्स को देना है। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि जब उनको बच्चा बोलता है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, दे आर स्केयर्ड ऑफ दैट कि अब हमें इन्वेस्टमेंट इसमें करना है या हमको इसके लिए बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा। अगर उनको अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाएंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स दिए जाएंगे ताकि वो कल को अपने बच्चों को सपोर्ट कर लेंगे इस चीज के लिए। थर्डली हमें यहाँ पे बोलना है कि जो ये जॉब प्लेसमेंट है, जॉब प्लेसमेंट हमको कैसे क्रिएट, जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है, इसमें गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर हैज टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो दैट कि दे वुड गिव द जॉब्स, दे वुड यू नो गिव द बेटर प्लेसमेंट टू आवर यूथ इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, इन देयर इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर से आप पे आएंगे। फिलहाल हम रुक करते हैं बात सब आपकी ओर, आपसे यहाँ पे जाना चाहेंगे। जब हम बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की, तो डिजिटल डिवाइड जो है वो हमारे यूथ एम्प्लॉयमेंट कैसे एक रुकावट साबित हो सकती है? डिजिटल डिवाइड जो है ये एक बैरियर है अर्बन रूरल पॉपुलेशन और फार फ्लंग एरिया जो पॉपुलेशन रहती है उनके बीच में एक बैरियर है, बैरियर्स है। तो इसको, इसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं ये सब चीजें टैकल करने के लिए। जैसे कि आप ऐसा मान लो कि जो रूरल अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं वहां पे, वो इंटरनेट इस्तेमाल सही से कर सकते हैं, वो टेक, उनको, उनके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है। जो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं बच्चे, उनको ये सब, इनका इन सब चीजों के बारे में अवेयर नहीं होता है, ये सब चीजें क्या होती है क्या नहीं, बिल्कुल उनको पता नहीं होता है कैसे कंप्यूटर यूज करना है। एग्जैक्टली, तो गवर्नमेंट ने फिर इन सब चीजों के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, जैसे फार फ्लंग एरियाज में जैसे उनको मोबाइल नेटवर्किंग सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम लगवाना चाहिए, या फार फ्लंग एरियाज में उनको वहां पे प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए। बिल्कुल, उनको डिजिटल टूल्स देने चाहिए फार फ्लंग एरियाज में, गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगा डिजिटल टूल जो यूज कर सकेंगे इन फ्यूचर, जो यूज कर सके, जिस टूल से वो सीख सके कि हमें कैसे यूज करने हैं डिजिटल डिवाइसेज, कैसे हमें यूज करने हैं, या इंटरनेट होना चाहिए डिजिटल टूल्स को, एक्चुअली में एक्सेस ही होना चाहिए डिजिटल टूल्स का, फिर तभी जाके वो आगे जाके इंटरनेट और डिजिटल डिवाइड बैरियर को खत्म कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रख सकता है, सेमिनार रख सकता है वहां के लोगों के साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बात कर सकते हैं, जो वहां के सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं वो भी आपस में बात, इस तोड़, इस सभी प्रॉब्लम का जोड़ वो निकाल सकते हैं, फिर गवर्नमेंट के साथ बात करके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुख करते हैं सीरज जी आपकी और, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की, एक्सचेंजेस की बात करते हैं, तो कैसे वो एक रोल प्ले करते हैं जो हमारे ग्लोबल चैलेंजेस है उनको हल करने के लिए? जैसे कि अभी मैम ने बात की, मैं उसमें थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूंगी। उसने इसने अभी बोला हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको कोलैबोरेट करना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ और सिविल सेक्टर्स के साथ, और स्टूडेंट्स को उनमें इंटर्नशिप्स देनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स देनी चाहिए जिससे उनको एक्सपोजर मिले, नॉलेज मिले और उनको एक्सपीरियंसेस मिले और उनको मतलब उनको नॉलेज गेन हो जाए और उनको डिफरेंट कल्चर्स भी, उनकी नॉलेज भी हो जाए, ट्रेडिशंस की भी नॉलेज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी, एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयमेंट में भी उनको हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है उनको चाहिए कि वो बाहर के यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाए।
प्रोजेक्ट्स जो है उनको वो प्रोवाइड किए जाए ताकि उनको एक एक्सपोजर मिले, एक्सपीरियंस मिले, नॉलेज मिले। बिल्कुल मैम, आपकी ओर आते हैं, जब हम बात करते हैं कि जो फ्यूचर है हमारा, जो तालीम है कश्मीर में, उसकी जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो क्या राय है आपकी उस पर, और स्पेशली व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एम्पावरिंग यूथ? दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी प्रोवाइड देम द बेटर एजुकेशन, व्हेन वी फैसिलिटेट देम, इजंट इट, व्हेन वी एम्पावर देम, व्हेन वी इक्विप देम विद ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज, एंड उनको जब हम एंटरप्रोनरशिप ट्रेनिंग देते हैं। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट माई विजन इज टू इक्विप, टू एम्पावर एंड एंगेज द 21st सेंचुरी, यू नो, ग्लोबल सिटीजन्स फॉर देयर लाइफ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं सीरज जी आपकी ओर, जब हम बात करते हैं करंट करिकुलम की, तो करंट करिकुलम जो है, क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है जितने भी ग्लोबल चैलेंज है जिन पे हमने अभी तक, हमारा आज का प्रोग्राम को जितना डिस्कशन अभी तक रहा है, क्या आपको लगता है करंट करिकुलम जो उसको हल करने में साबित हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं अभी और कुछ तब्दीलियां हमें लाने की जरूरत है? जो हमारा करंट करिकुलम है उसमें हमें कुछ डिफरेंट न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड करने चाहिए, जैसे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 की, उन्होंने स्किल ओरिएंटेशन पे फोकस किया है, जिससे हमारे कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, जिससे हमारा यूथ उनको स्किल्स डेवलप होगी, स्किल्स सीखेंगे और वो फिर मतलब एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, और वो जॉब प्रोवाइड, जैसा कि मैम ने बोला, वो जॉब सीकर्स नहीं बनेंगे, प्रोवाइडर्स बन जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम आपकी ओर आते हैं फिर से, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की, एक्सचेंज की, चूंकि आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, तो क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी जो वो कोलैबोरेट कर रही है या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम्स इनिशिएट कर रही है? यस, कश्मीर यूनिवर्सिटी इज कोलैबोरेटिंग इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, एज जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है हमारी, उनकी जो इंटर्नशिप है एमबीए स्टूडेंट्स की, वो उनको दूसरे सेक्टर्स में भेजते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स पे भेजते हैं वो इंटर्नशिप करने के लिए, या जैसे कि हमारे साइंस डिपार्टमेंट्स है, लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो अपने स्टूडेंट्स को बाहर की यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं फॉर लैब्स के लिए, लेबोरेटरीज के लिए, टू गेन मच मोर नॉलेज इन द फील्ड। और जानकारी है मुझे जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट की, दे आर सेंडिंग देयर स्टूडेंट्स टू द फॉर द एक्सप्लोरेशन, मतलब बाहर की स्टेट्स में, इवन अदर कंट्रीज फॉर द एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, हाँ, उससे उनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलता है। तो ये कोलैबोरेटिव काम होना चाहिए, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज है, बाहर की यूनिवर्सिटीज है, या हमारे कम्युनिटी है, दे शुड वर्क, यू नो, इन कोलैबोरेशन, दे शुड हैव कोऑपरेशन, तभी तो हमारा जो यूथ है ये एम्पावर हो सकता है। मेन एम है, मेन गोल है हमारा यूथ को एम्पावर करना। इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रोल है, इसमें सोसाइटीज का रोल है, इसमें कम्युनिटीज का रोल है। सो ऑल टुगेदर जब हम काम करेंगे, इट इज सेट ऑफ यूनियन स्ट्रेंथ, हमें कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए टू एम्पावर अवर यूथ, सो दैट शुड बी अवर एम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस सब आपकी ओर रुख करते हैं, जब हम बात करते हैं जो तलबा हैं स्कूल्स में या जो कॉलेजेस में, तो वो कैसे ग्लोबल चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं? तो जैसे ये जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, इनको फेस करने के लिए इनको प्रॉपरली पहले एजुकेशन को एजुकेट, प्रॉपर एजुकेशन देनी है। वो एजुकेशन कैसे दे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल इश्यूज है क्या। बेसिकली बच्चों को पता नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्टूडेंट स्कूल में, उनको असली प्राइमरी लेवल से ही पता होना चाहिए ग्लोबल इश्यूज है क्या एक्चुअली में। जब उनको पहले पता चल जाएगा ग्लोबल इश्यूज है क्या, फिर उनको टैकल करने में हम हेल्प कर सकते हैं, आगे एजुकेट कर सकते हैं। जब उनके माइंड में ये सेट हो जाएगा ऑलरेडी कि ग्लोबल इश्यूज है क्या, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, पुअरिटी होता है, इनइक्वालिटी होती है, फूड होता है, वाटर की कमी है अभी दुनिया में, ये सब चीजें जो ये अभी चल रहा है, ये सारे इश्यूज है, ग्लोबल इश्यूज है। लेकिन जो हमारी यूथ है, बच्चों को, उनको पता ही नहीं है ग्लोबल इश्यूज असल में है क्या। तो इसी पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए हमारे स्कूल्स है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, फॉर द अवेयरनेस ऑफ अवर यूथ, क्या है ये ग्लोबल इश्यूज, क्या है हमारे ग्लोबल चैलेंज जिनको हम रोजमर्रा फेस करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ आने के लिए, हमें और हमारे नाज़रीन को इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।
विसिए यारसवन तलै लटिया रसवन।